आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। राजधानी लखनऊ में अध्यात्म संस्था ब्रह्मा कुमारी परिवार एवं दयाल ग्रुप की ओर से अध्यात्म द्वारा अनिश्चितता पर विजय के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। हर आयु वर्ग के लोगों में अनिश्चितता को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी की बहन और उनकी शिक्षिका शिवानी उनके साथ मौजूद है। वो आज लोगों को जीवन के मूल्यों का आत्म सशक्तिकरण एवं अध्यात्म के प्रति जागरूक करने वाली है। अध्यात्म द्वारा अनिश्चित पर विजय कार्यक्रम सुशांत गोल्फ सिटी दयालबाग में चल रहा है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दयालबाग में। दो चीजें बहुत क्लियर दिखाई देती हैं। अपने सामने चित्र लेकर आए देवी देवताओं का चित्र, देवताओं के हाथ कैसे होते, गंदे हाथ देवताओं के हाथ कैसे होते, ये तो अच्छी बात है। आपने देवता वाला हाथ तो फटाफट बना लिया, अपने हाथ ही बनाया जा रहा है, हमारे हाथ कैसे होते कैसे होते? अच्छा ऐसे होते और कैसे होते? जब हम कहते हैं हमारे हाथ ऐसे होते हैं, इसका मीनिंग क्या है? हमारे पास तो सब कुछ भरपूर है, फिर ऐसे हाथ का मीनिंग क्या है? क्या चाहिए, क्या चाहिए? और अगर हाथ ऐसे होंगे तो पीछे का जो आधा मंडल है उसका कलर कौन सा होगा?
बच्चों को बाहर बैठाएंगे प्रोग्राम कहानी की स्क्रीन के साथ, और मीडिया वाले हमारे सारे प्यारे प्यारे फरिश्ते बैठ जाएंगे। हाथ ऐसे अर्थात घर भरपूर लेकिन मन खाली, सारा दिन में हम कहते हैं मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, उसने मेरे से ठीक से बात नहीं की, उसको मेरा कहना मानना चाहिए, हर चीज में चाहिए चाहिए चाहिए। कल सैटरडे संडे छोटी सी लिस्ट बनाते जाना कि मुझे क्या क्या चाहिए। दुनिया मेरे अनुसार हो वो भी चाहिए, हम चाहिए कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं तो सामने वाला हमारा कहना मानेगा ना। मैं उनको बार बार रिक्वेस्ट कर सकती हूँ साइलेंस हो जाओ बैठ जाओ, लेकिन वो अपनी सेवा कर रहे हैं। इस सीन को हमेशा सामने रखना, हम किसी को राय दे सकते हैं, हम किसी को बार बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे अनुसार हम जो कह रहे हैं वो राइट है, दूसरा सुनता भी है, ऐसे ऐसे करता भी है, और फिर इसके बाद वो ही करता है जो उनको राइट लग रहा है। होता ऐसा नहीं होता, फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें क्या करना चाहिए, दूसरों से क्या चाहिए वो तो पता है, फिर हमें क्या करना चाहिए जब परिस्थिति मेरे अनुसार ना हो और मैंने चाहिए चाहिए किया फिर भी मेरे अनुसार नहीं हुई, तो फिर उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपने बताया क्या करना चाहिए। उस परिस्थिति की वजह से डिस्टर्ब होने की परमिशन नहीं देते हैं। अब आप एक चीज बताइएगा बहुत ध्यान से, क्या हम ऐसे ऐसे से ऐसे वाले बनने के लिए रेडी हैं? चाहिए 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 से देने वाले बनने के लिए रेडी हैं? चाहिए चाहिए क्या हम देने वाले बनने के लिए रेडी हैं? चाहिए किसको होता है, किसको चाहिए होता है? जिसके पास नहीं होता है। देने वाला कौन बनता है? देने वाला कौन बनता है? जिसके पास भरपूर होता है। तो अगर मुझे चाहिए से देने वाला बनना है तो मुझे किस चीज में भरपूर होना है, किस चीज में भरपूर होना है ताकि मुझे चाहिए नहीं मैं देने वाला बन जाऊं, उसके लिए मुझे किस चीज में भरपूर होना है, किस चीज में भरपूर होना है, जिस चीज को देना है उसको विजुअलाइज करना। एक हफ्ते को पीछे रिवाइंड कीजिए, चलो एक हफ्ता बोल दो, आज के दिन को रिवाइंड कर लेते हैं। सर बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, लोगों का व्यवहार सामने आता है, कुछ हमारे अनुसार होता है कुछ हमारे अनुसार नहीं होता है।
हर बार जब कुछ मेरे अनुसार होता है या मेरे अनुसार नहीं होता है, क्या मेरे मन की स्थिति पर उसका असर पड़ता है? क्या मेरे मन की स्थिति पर उसका असर पड़ता है? पड़ता है। क्या असर पड़ना नेचुरल है? का विकास छोटा है, टांग कहाँ हिलता है? मन की स्थिति पर असर पड़ना नेचुरल है? स्थिति पर असर पड़ना नेचुरल है? अपने दोनों हाथ आगे कीजिएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की परिस्थिति, राइट हैंड की मन की स्थिति, लेफ्ट हैंड की परिस्थिति, राइट हैंड की मन की स्थिति। अब इस सेकंड हैंड में कोई भी अपनी बात रखे, छोटी रखे, बहुत बड़ी रखे, वो चॉइस आपकी है। लेफ्ट हैंड की परिस्थिति, परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, और राइट हैंड की स्वस्थिति, किसकी स्थिति? मेरी स्थिति। ये दोनों में से कौन सा हैंड अपने कंट्रोल में लग रहा है, परिस्थिति या स्वस्थिति? स्वस्थिति। ये सर ओके डन। सेकंड स्टेप बहुत ध्यान से, परिस्थिति का असर स्वस्थिति पर पड़ता है या स्वस्थिति का असर परिस्थिति पर पड़ता है? परिस्थिति का असर स्वस्थिति पर पड़ता है या स्वस्थिति का असर परिस्थिति पर पड़ता है? किसी को गुस्सा आया था ना? किस किस बात को थोड़ा सा गुस्सा आया? थोड़ा सा मतलब थोड़ा इरिटेशन आज के दिन में तो आज के बॉस है। फिर हाथ लगे एक मिनट आंख बंद और सीन को सामने लेकर आ, पूरा सीन सामने लेकर आ, क्या हुआ था, क्या उन्होंने किया था, बात क्या थी और मेरा क्या रिएक्शन। क्या हुआ था, परिस्थिति क्या थी, सामने वाले ने क्या किया था और मैंने कैसे रिएक्ट किया था। अब उसी सीन को पकड़ के रखना है, इसी सीन पर फिर से आएगा और जब भी सेम सीन कल फिर से आएगा, क्या उसमें कल मेरा रिस्पॉन्स एक अलग तरह का हो सकता है? लेकिन उस दिन जिस दिन मैंने गुस्सा किया था, मैंने कहा था कि गुस्सा किसकी वजह से, मैंने क्या कहा था, गुस्सा किसकी वजह से ध्यान रखना, क्योंकि गुस्सा हो सकता है टाइम पर उसी से कार से सुबह उठे, क्योंकि कार में भी विषम विषम को छोटी छोटी चीजें होते रहते हैं। जब जब हमने कहा उनकी वजह से, और सिर्फ गुस्से के लिए नहीं होता, इस बात की वजह से टेंशन, उस बात की वजह से चिंता, इनकी वजह से गुस्सा, उसकी वजह से दर्द, उसकी वजह से दर्द, हर चीज जो यहाँ हो रही है, हमने कहा वो किसकी वजह से है? वो ऐसा जीवन जी रहे थे कोविड आ गया, हमने कहा कोविड है, डर और चिंता तो वो भी ही नेचुरल है। कोविड लेफ्ट हैंड था, कोविड लेफ्ट हैंड था, कोई भी चीज जो यहाँ से बाहर है वो परिस्थिति है। इवन जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य है ना, वो भी एक परिस्थिति है। हम हेल्दी होंगे तो हैप्पी होंगे, या हम हैप्पी होंगे तो हेल्दी होंगे।
रिश्ते अच्छे होंगे तो हम खुश होंगे, या हम खुश होंगे तो रिश्ते अच्छे होंगे। वो ठीक से बिहेव करेंगे तो हम सुखी होंगे, या हम सुखी होंगे तब उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो डायनामिक मन की सोचने की भाषा आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है? मैं आत्मा किस पर निर्भर? सिर्फ आत्मनिर्भर, डिपेंडेंट ओनली ऑन माई सेल्फ, आत्मनिर्भर। भाषा आत्मनिर्भर का अपोजिट चीज है, हम कहते परिस्थिति निर्भर, मौसम निर्भर, व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर, शरीर के स्वास्थ्य पर निर्भर। और जितना हमने कहा हम उन चीजों पर निर्भर, उतना आत्मिक शक्ति क्या मिली है, राइट? और जितना आत्मिक शक्ति घटती गई, हमने दुनिया की तरफ देख कर कहा ठीक हो जाओ ताकि मैं खुश हो जाऊं, तुम ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, बिजनेस ठीक चल जाए, सेहत ठीक हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, सब कुछ जब हो जाएगा तब मैं खुश होता। तो मेरा हाथ कैसे है? चाहिए दुनिया मेरे अनुसार होनी चाहिए। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग ये थी कि यहाँ की स्थिति बाहर की दुनिया पर निर्भर है। बचपन से सीखा था, बचपन से सीखा था। एक बच्चा मार्क्स लेकर आता है घर पे, हमारे मार्क्स देखकर मम्मी पापा के चेहरे बदलते हैं। मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बचपन से उस बच्चे को हमने सिखा दिया जब मार्क्स ज्यादा होते हैं तब हम खुश होते हैं, जो मार्क्स कम होते हैं तो हम दुखी होते हैं। बच्चे ने सीख लिया जीवन जीने का तरीका। जब मार्क्स अच्छे होते तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, जब मार्क्स अच्छे नहीं होते तो बच्चा नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा। लेकिन हमारे मन की स्थिति मार्क्स पर डिपेंडेंट, बोलिएगा हमारे मन की स्थिति मार्क्स पर डिपेंडेंट ओ नहीं होनी चाहिए। यस, क्योंकि अगर हमारी मन की स्थिति मार्क्स पर डिपेंडेंट हो गई और हमारे मन की स्थिति डार्क हो गई तो अगली बार के नंबर कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको पता है एक बार एक सर्वे किया गया जिन बच्चों को फेलियर पर सुसाइड करने का थॉट आया और जो उनसे पूछा गया कि तो सिर्फ एक फेलियर है इसके लिए ऐसा, उन्होंने कहा हम अपने मम्मी पापा को फेस नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी के घर में ऐसा होता है तो वो मम्मी पापा कहते हैं तुम पढ़ाई छोड़ो लेकिन वापस आओ, पढ़ो ही मत, लेकिन वो पहले से सिखा नहीं। तो वी हैव टू सेपरेट परिस्थिति और मन की स्थिति को सेपरेट करो, उनको जोड़ दिया, उसको अटैचमेंट किया है कि हमारे मन की स्थिति हर चीज से अटैच हो चुकी है। जब हमारे मन की स्थिति हर चीज से अटैच होती जाएगी तो हमारी स्थिति किस पर डिपेंडेंट होती जाएगी? सिचुएशंस पर। सिचुएशंस तो हमारे अनुसार तो नहीं होगी, मन की स्थिति भी अब हमारे अनुसार नहीं होगी। और इसलिए हमने कहना शुरू कर दिया टेंशन नॉट हर्ट, चिंता नॉट हर्ट, डर नॉट हर्ट, हर्ट नॉट हर्ट, गुस्सा नॉट हर्ट। और जब इनको कहना शुरू कर नॉट हर्ट, फिर खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। हम ऐसे खड़े होंगे तो सृष्टि कलयुग है, और ऐसे बन जाएंगे तो सृष्टि ऐसे बन जाएंगे तो सृष्टि सतयुग है। स्वर्ण भारत बनाना, स्वर्ण भारत बनाना, उसके लिए सिर्फ एक चेंज लाना है, ओनली
किया था, अगर परिस्थिति कब फिर से आएगी तो हम शांति और स्थिरता से उसको क्रॉस कर सकते हैं, इस चीज को लगता है कर सकते हैं, which is a proof ना, मेरे proof है ना कि वो जो मेरा गुस्सा था वो किस पर मिल गया था, वो गुस्सा किस पर मिल गया था, वो भी है क्योंकि सारा दिन ऐसे रखते हैं उसको, वो गुस्सा किसकी वजह से था, अच्छे से बोलो, मैं बोलना चाहिए, अच्छे से मैं बोलना चाहिए, मैं किसी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की, देख कर अनदेखा कर दिया, कुछ ऐसे कह दिया, दुख हुआ, वो दुख किसकी वजह से था, वो दुख किसकी वजह से था, बोलो बोलो तो ये जवाब बोलोगे तो ना रिकॉर्ड हो रहा है, वो दुख किसकी वजह से था, हमारी नहीं, मैं किसी ने बहुत गलत तरह से बात की, थॉट क्रिएट हुआ और मैंने कह दिया उन्होंने मुझे हर्ट कर दिया, क्या कोई हमें हर्ट कर सकता है, आपकी किसी ने कभी इज्जत की, किस किसी इज्जत हुई है, मतलब हाँ तो डर पाना हाँ डर इज्जत हुई है ना, कभी कभी अब सामने वाले को क्या करना पड़ता है हमारे रिसर्च करने के लिए, कैसे करते हैं हमारे रिसर्च, कैसे करते हैं हमारे रिसर्च, है जी वेदना सच्चा और कैसे अच्छा कमेंट करते हैं, चलो एक हाफ मिनट, अब मैं प्रसाद लोगों के सामने आकर कमेंट कर रहा हूँ, ये पेंडुलम है,